देखते हैं इस क्वेश्चन को. अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ आयरन 22 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर. देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज. तो एक रेक्टेंगुलर शीट है, ओके, इस तरह की एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है. लेंथ है 22 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर. ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ओके. इसको फोल्ड कर दिया गया है बिना ओवरलैप करवाए हुए और एक सिलेंडर बनाना है, ओके. इसको फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाना है. उस सिलेंडर की हाइट 8 होनी चाहिए. मतलब जो ये आपको विड्थ दिख रही है रेक्टेंगल की, ये सिलेंडर की हाइट बन जाएगी. तो इस विड्थ से इसको फोल्ड करके हाइट कैसे, सिलेंडर कैसे बनेगा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ओके. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, ओके. ये इसकी विड्थ है. अगर मैं इसको यू नो लेंथ के अलॉन्ग फोल्ड कर दूँ, देखो फोल्ड करने से एक सिलेंडर बन गया है. कैन यू सी दिस सिलेंडर, ये आपको सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है ना, ये सिलेंडर दिख रहा है. तो इस सिलेंडर की हाइट क्या है, देखो वापस से देखो, ये हाइट 8 थी. अगर मैं फोल्ड कर दूंगा तो ये बन गया सिलेंडर, ये बन गया सिलेंडर. और इस सिलेंडर की हाइट वही है जो रेक्टेंगल की ब्रेथ थी. तो रेक्टेंगल की ब्रेथ थी 8, इस सिलेंडर की हाइट है 8, समझ गए ना. और ये जो लेंथ है ना, लेंथ कितनी है 22, ये जो लेंथ है ना, सिलेंडर बनने के बाद ये क्या बन गई है, ये सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट का सर्कमफ्रेंस बन गया है. ये जो आपको गोल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल की ये पूरी लेंथ 22 होगी. क्योंकि यू नो अभी ये 22 है, रेक्टेंगल की लेंथ बना हुआ है. जब इसको आप फोल्ड कर देते हो तो सिलेंडर बनने के बाद में देखो ये सर्कमफ्रेंस 22 हो चुका होगा. वही लेंथ तो यहाँ पर आ गई है, जो रेक्टेंगल की लेंथ थी वही तो यहाँ पर आ गई है. आई होप समझ में आ गया आपको, ठीक है ना. तो जब इस रेक्टेंगल को फोल्ड करके आप एक सिलेंडर बनाओगे, ये हाइट, ये जो ब्रेथ है, ये सिलेंडर की हाइट बन गई है, ओके. तो जो ये जो लेंथ है ना, लेंथ, यही लेंथ यहाँ पर घूम का सर्कमफ्रेंस बन गई है. तो अगर वहाँ लेंथ 22 थी तो ये जो सिलेंडर बना है, इस सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस 22 होगी, समझ गए. इस सिलेंडर की ये सर्कमफ्रेंस 22 होगी, सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना. अब सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr. अगर मैं इस सर्कुलर पार्ट की रेडियस को मान लूँ r, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी. ये 22 के इक्वल है, ठीक है ना. तो 2 लिखो, पाई की वैल्यू लिखो और r लिखो, इज इक्वल्स टू 22 लिखो. 22 वन टाइम्स, 22 वन टाइम्स, खत्म हो गया. अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 यहाँ डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, उधर जाकर 7 1 को मल्टीप्लाई कर देगा, 7 आ जाएगा. ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, इधर आकर डिनोमिनेटर में हो जाएगा. तो रेडियस हो गई 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना. आई होप इतना क्लियर है. अब इन्होंने क्या पूछा है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया. वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो बताना है. तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr h. तो पहले तो यहीं कुछ कैंसिल हो सकता है, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल, एच कैंसिल, एच कैंसिल. ऊपर r का स्क्वायर है, नीचे r है, तो r r भी कैंसिल, ऊपर बचेगा r, नीचे बचेगा 2, ओके. अब r की वैल्यू मालूम है आपको 7/2 है, तो r की वैल्यू है 7/2, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना. अब 7/2 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 के रेसिप्रोकल मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही बात है, ये हो जाएगा 7/4. द रेशियो इज 7:4. आई होप ये क्लियर है. अच्छा, आज आप लोग मुझे डाउट भेज सकते हो, तो एक ज़रा डाउट के बारे में मुझे डिस्कस करना है इस क्लास में. ये डाउट मुझे भेजा है आहिल खान ने. आहिल खान, आपने DPP 1 जो मेंसुरेशन की है उसका स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें 18 क्वेश्चंस हैं और आपने बोला है कि 18 के 18 सब के सब डाउट हैं, ओके. तो सब के सब डाउट होने का मतलब ये होता है कि आपको एक चैप्टर बिल्कुल क्लियर ही नहीं है, ओके. हालाँकि जब मैं DPP में क्वेश्चंस डालता हूँ तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी डाल देता हूँ. वो इसलिए डालता हूँ क्योंकि जब तक कि हम डिफ़िकल्ट वाले पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक कि हमें जो ये एवरेज वाला पार्ट है ना, ये ईजी नहीं लगेगा. जब उसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये लगेगा ईजी. जब ये लगेगा ईजी तभी एंट्रेंस में आपके क्लियर करने के चांसेस हैं, क्योंकि हर बार एक नया पेपर आता है, हम लाइटली कुछ भी नहीं ले सकते हैं. जब आप डिफ़िकल्ट वाला पार्ट कर लोगे तो ईजी वाला पार्ट कर लोगे, या जब डिफ़िकल्ट वाला पार्ट कर लोगे तो ईजी वाला पार्ट कम टाइम में कर लोगे.
तो यहाँ पर जो आप देखते हो ना वो अक्सर एमयू एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। जो डीपीएमयू में क्वेश्चंस डालता हूँ वो मैं कुछ डिफिकल्ट भी डाल देता हूँ, ओके, वो आपके अच्छे के लिए है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपने बोला कि 18 के 18 क्वेश्चंस मुझे क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है वही आपको नहीं क्लियर है। आपको पता ही नहीं है कि सर्कल क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। जब ऐसा कुछ होगा ना तब आप बोलोगे ना कि सर ये सब की सब प्रॉब्लम है। तो ऐसी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना कि सर कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आपको सजेस्ट ये किया जाएगा कि आप बेसिक से पढ़ो, ठीक है ना। अगर हर कोई बोल दे कि सर हमें भी 18 के 18 क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, ओके, आप जितने भी स्टूडेंट सब बोल दो कि सर हमें कुछ भी क्लियर नहीं है, तो मतलब ये फॉल्ट मेरे अंदर हो जाएगी, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। लेकिन कोई एक बंदा बोलता है या कोई दो बंदे बोलते हैं सर नथिंग इज क्लियर, इट मीन्स यू नो आपके मैथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपका शायद मैथ का बेस जो है ना वो बहुत वीक है, आपको क्लास 8th क्लास 7th क्लास 6th की जो मैथ है ना वो पूरी डिफिकल्ट लग रही है, आपको क्लास 6th क्लास 7th की चीज़ें भी नहीं आती होंगी, इसलिए आपने पूछ लिया सर सारे के सारे क्वेश्चंस बताइए। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो LMS है आप LMS में जाइए और वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगर आप LMS को समझ पाते हो, जो LMS में क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, मतलब जो यहाँ पढ़ाता हूँ क्वेश्चंस, वो आपको सारे के सारे क्लियर हैं, तो जब आप DPP सॉल्व करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको सारी प्रॉब्लम सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट करें। ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, एक क्वेश्चन हो गया, फिर एक क्वेश्चन नहीं हो पाया, फिर एक क्वेश्चन हो गया। तो अगर 5 क्वेश्चंस करोगे तो उसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ओके, एक या दो या 3 में प्रॉब्लम होगी, वो आप मुझसे पूछो। इस तरह से नहीं पूछना है, इस तरह से मैं बताने को सब बता दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये भी होती है ना कि अगर मैं इस तरह से पूछ रहा हूँ तो व्हाट आर यू डूइंग, समझ गए ना। अगर मैंने एक टेस्ट लिया आपका और टेस्ट में मैथ में 30 क्वेश्चंस पूछे, तो अगर आप ये बोलो सर 30 के 30 डाउट हैं, तो प्रॉब्लम कुछ और हो गई। प्रॉब्लम ये है कि मतलब आपको क्या बिल्कुल मैथ नहीं आती है, या क्या मैं बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो ज़रा इस पर ज़रा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, ओके। पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास में आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है सर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो हमें क्लियर हो रहा है, ओके। आप अपना व्यू दे सकते हो, सर क्लियर हो रहा है, सर क्लियर नहीं हो रहा है, सर इट इज़ डिफ़िकल्ट, सर इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, सर इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, सर यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स, तो ऐसा कुछ भी व्यू है बताइए। सर वी डोंट गेट द थिंग्स विच यू एक्सप्लेन, सर वी गेट द थिंग्स विच यू एक्सप्लेन, वॉट आर योर व्यूज। किसी ने बोला सर क्लियर हो रहा है सारा, सर क्लियर है, सर क्लियर है, सर क्लियर है। हाँ ठीक है ना, तो प्रॉब्लम अगर आपको पूरे के पूरे पार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, एक चैप्टर की मैंने DPPs दी, आपने बोला सब की सभी प्रॉब्लम है, तो समझो जरा रीज़न क्या है इसका। अगर सब की सब प्रॉब्लम है तो आपकी बेसिक मैथ्स वीक हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब शायद ये भी होगा कि क्लास 7th की मैथ भी थोड़ी हिली हुई है, क्लास 6th की मैथ भी थोड़ी हिली हुई है, इस वजह से आप ऐसा पूछ रहे हो, ठीक है ना। आप देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है, ओके। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता होता है कि जब आप DPP सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम होंगी, ओके। अगर आप 10 क्वेश्चंस करोगे तो 2 में प्रॉब्लम हो सकती है, 3 में हो सकती है, 4 में हो सकती है। लेकिन कोई बोले कि 10 की 10 में प्रॉब्लम है तो फिर कुछ और इश्यू बन गया, समझ गए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, तो सारी की सारी प्रॉब्लम कैसे हो सकती हैं, ओके। फिर तो मैं बोलूँगा आप मैथ ही छोड़ो, कुछ और ही करो, ठीक है ना, लाइफ में ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। तो टाइम मत वेस्ट करो, पहचानो कि मेरे लिए क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आपको इतनी मैथ नहीं समझ में आ रही है कि यू नो पूरी की पूरी DPP खाली जा रही है, तो फिर सोचो कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मैथ इज़ नॉट फॉर मी, कुछ और करो, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, बायो करो, या सब छोड़ दो, ह्यूमैनिटीज़ में आ जाओ, कॉमर्स में आ जाओ, समझ गए ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ पूछ लेती हूँ सर क्लियर है, ठीक है, ओके। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप फ्रैंक रहो क्लास में, जो कोई प्रॉब्लम है पूछो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, ग्रुप में पूछो, जो भी आप पूछते हो उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया जाता है, ठीक है ना। चलें ठीक है, बढ़ते हैं। तो वो जो आपने पेज भेजा ना सर 18 के 18 चाहिए, उसको मैं एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं वो सारे डाउट्स बताने वाला हूँ। तो पहले आप थोड़ा सा होमवर्क करो, LMS को अच्छे से देखो, थोड़ा मुझे भी लगना चाहिए ना कि आपने कुछ काम किया है और ये आपके जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, ये आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कि सर आपने जो DPPs भेजी सारे आप सॉल्व कर दीजिए, ओके, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको भी काम करना पड़ेगा, ओके। तो
यू नो जो आपका रिजल्ट बनेगा एएमयू में या किसी एग्ज़ाम में, भी आप क्लास 9th में जाओगे, क्लास 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यू नो सेंटर में आप हो. इफ़ यू आर नॉट वर्किंग देन आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू, देन योर पेरेंट्स वोंट बी एबल टू हेल्प यू, योर टीचर्स वोंट बी एबल टू हेल्प यू, योर फ्रेंड्स वोंट बी एबल टू हेल्प यू. सबसे पहले आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी. ओके, आपको ये ठानना पड़ेगा कि मुझे ये अचीव करना है. ओके, क्लास 10th के बोर्ड्स में 95% रिजल्ट आना है, 97% रिजल्ट आना है, एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम को कॉम्पीट करना है, ये पहले आप तो सोचो कि मुझे करना है. ओके, उसके बाद मैं हेल्प कर पाऊँगा या पेरेंट्स हेल्प कर पाएंगे या आपके टीचर्स या आपके फ्रेंड्स हेल्प कर पाएंगे. अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, आई हैव टू ईट, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू रेस्ट, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, यू नो यू आर नॉट डूइंग थिंग्स, तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ना पेरेंट्स हेल्प कर पाएंगे. समझ गए ना? तो हर कोई जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, पहले ठान लो कि मुझे ये करना है, और ये सिर्फ सिर्फ आपके लिए है. इफ़ यू आर गोइंग टू डू समथिंग, इफ़ यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग, तो आप अपने लिए बेस्ट कर रहे हो ना, अपनी लाइफ अच्छी बना रहे हो, तो पहले आप तो करना शुरू करो. समझ गए? हाँ, तो मैंने बोला कि उन डाउट्स को मैं एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ. आप काम करो, मुझे आपके डाउट्स भी जेन्युइन लगने चाहिए, तब मैं एंटरटेन करूँगा. मेरे पास और भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में, शायद कल मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, वहाँ पर मैं लेने वाला हूँ. इस चैप्टर को हम फिनिश कर रहे हैं आज, कहानी को बढ़ाते हैं आगे, तो इस क्वेश्चन पर आते हैं. ये हो गया था क्लियर, बढ़ते हैं आगे. तो अब देखो, वैसा ही क्वेश्चन एक बार फिर आ गया, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर यहाँ भी है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप इसको ट्राई करोगे. नहीं हो पाएगा तो क्या करना है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे भेज देना है. स्क्रीनशॉट कहाँ से मिलेगा? अभी फोटो नहीं ले पा रहा तो LMS में जाना, LMS में इस वीडियो को वापस से देखना, ये क्वेश्चन आएगा, हो पाए तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना, मुझे दे देना. वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखो कितना है, 2019 में आया है, 18 में आया है, 11 में आया है, और इसी तरह का एक क्वेश्चन 2020 में आया है. ओके, मतलब चार बार इस तरह का हम कह सकते हैं क्वेश्चन आया है. आगे बढ़ते हैं. अ पिट 5 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर वाइड इज डग टू अ सर्टेन डेप्थ. ओके, पिट मतलब कोई गड्ढा है जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, और उसकी गहराई नहीं गिवन है, कुछ होगी गहराई. ओके, तो ज़रा मैं यहाँ पर पिट बना लूँ क्या? लेंथ ब्रेथ हाइट का मतलब ये समझ में आ गया कि क्यूबॉइड शेप में होगा, ये क्यूबॉइड शेप में है, तभी इन्होंने लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात की. ओके, पिट में हाइट के बजाय उसकी गहराई बोलेंगे. ओके, समझ गए ना? देखो, कोई कुएं के अंदर बैठा हो ना तो क्या बोलेगा, ये कुएं की ऊंचाई है, और कुएं के ऊपर से देखोगे तो उसी को क्या बोलोगे, गहराई है. वैसे ही गड्ढा. ओके, पिट, पिट के अंदर कोई चला गया तो वो देखेगा ये पिट की ऊंचाई है, और पिट के बाहर खड़े होकर देखोगे तो लगेगा पिट की गहराई है. तो ऊंचाई और गहराई सेम ही चीज़ें हैं, डिपेंड करता है आप देख कहाँ से रहे हो. ठीक है ना? अच्छा जी, तो इसकी लेंथ कितनी गिवन है? 5 मीटर्स गिवन है, 5 मीटर्स गिवन है, 5 मीटर्स गिवन है. और इसकी ब्रेथ कितनी गिवन है? 3.5 मीटर्स गिवन है. और इसकी हाइट कितनी गिवन है? वी डोंट नो. या इसको डेप्थ नाम दे देते हैं, इसको डेप्थ नाम दे देते हैं, डी फॉर डेप्थ. समझ गए ना? इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, यहाँ अर्थ का मतलब मिट्टी है, जो मिट्टी निकाली गई है उसका वॉल्यूम 14 मीटर क्यूब है. तो बेटा, जितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, जितना इस पिट का वॉल्यूम होगा, उतनी ही इससे मिट्टी निकलेगी. समझ गए ना? जितना किसी गड्ढे का वॉल्यूम होगा, उतनी ही उसमें से मिट्टी निकल पाएगी, या उतनी ही उसमें मिट्टी डाली जा सकती है. तो आप क्या करोगे, बेसिक चीज़, वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो होगी ना, वो वॉल्यूम ऑफ पिट के इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ पिट के इक्वल होगी. ठीक है ना? अच्छा जी, अर्थ का वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है 14 मीटर क्यूब, और पिट का वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका है लेंथ को और ब्रेथ को और इसकी हाइट को या डेप्थ को मल्टीप्लाई कर दो. ओके, अब 14 को 5 और 3.5 आकर डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगी डेप्थ. डेसिमल को हटा दो तो यहाँ 0 आ जाएगा. अब इसको ज़रा मैं रफ में दिखा देता हूँ सॉल्व करके आपको. 140 अपॉन 5 एंड 35, 35 फोर टाइम्स, 4 अपॉन 5 आ गया. डेप्थ कितनी आ गई? 4 अपॉन 5 मीटर. ओके, 4 अपॉन 5 तो कहीं लिखा नहीं है, तो इसको डेसिमल में चेंज कर लेता हूँ. आप 4 को 5 से डिवाइड कर लो, 0.8 आ जाएगा, 0.8 मीटर. कहीं 0.8 मीटर लिखा है, ये भी नहीं लिखा है, तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 100 से कर लो मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा. जब इसको 100 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 80 सेंटीमीटर. क्या कहीं 80 सेंटीमीटर लिखा है? यस, ये हो गया आंसर. पहले आंसर ये आया था, ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, मैंने डेसिमल में किया. ये आंसर भी नहीं मैच कर रहा था, मैंने सेंटीमीटर में किया, अब मैच कर गया. अगर सेंटीमीटर में मैच ना करता तो मिलीमीटर में चेंज कर लेता, क्योंकि ये मिलीमीटर में है. ओके, आई होप ये क्लियर है.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्री क्यूब्स जिनका साइड है थ्री, ओके, तीन क्यूब्स हैं, एक क्यूब है जिसके सारे साइड्स थ्री 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 हैं, एक क्यूब थोड़ा इससे बड़ा है उसके सारे साइड्स फोर 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 हैं, और एक क्यूब इससे भी बड़ा है इसके सारे साइड्स फाइव 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 हैं, ठीक है ना। इन तीनों क्यूब्स को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया गया है, ओके। तो जब भी यू नो किसी चीज़ को मेल्ट करके नई चीज़ बनाओगे, तो ऐसा करने में क्या होता है ना, मेल्ट करने से पहले जो शेप का, सॉलिड शेप का वॉल्यूम होता है, मेल्ट करने के बाद भी उस सॉलिड शेप का वॉल्यूम इतना ही रहेगा, ठीक है ना। एक बेसिक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ मेल्ट करने के बाद ओके हम कुछ नया बनाते हैं, जैसे इन तीनों क्यूब्स को मेल्ट करके एक बड़ा सा नया क्यूब बनाएंगे, तो एक बेसिक चीज़ याद रखिएगा, इन तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम जो होगा ना वो उस नए क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसका नाम रख लूँ मैं ए, इसका नाम रख लूँ मैं बी, और इसका नाम रख लूँ मैं सी, और एक बहुत बड़ा सा क्यूब बनकर तैयार हुआ है, ओके, ये बड़ा सा बनकर तैयार हुआ है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ डी, इसका नाम मैं रख लेता हूँ डी, डी 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 रख लेता हूँ, ओके। तो हमें एक बेसिक चीज़ क्या मालूम है कि ए को मेल्ट किया गया है, बी को मेल्ट किया गया है, सी को मेल्ट किया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी प्लस वॉल्यूम ऑफ सी, ये वॉल्यूम ऑफ डी के इक्वल होगा। इन तीनों को मेल्ट करके ये बना है ना, तो इन तीनों का कंबाइंड वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हम एज और एज और एज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब जैसे इसका वॉल्यूम पता करना है तो 3 × 3 × 3 कर दोगे, मतलब 3 क्यूब कर दोगे, इसका वॉल्यूम चाहिए तो 4 क्यूब कर दोगे, इस थर्ड क्यूब का वॉल्यूम चाहिए तो 5 क्यूब कर दोगे, इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर मैं इसकी एज को x मान लूँ, x मान लूँ तो ये x क्यूब हो जाएगा। नाउ 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125 इज इक्वल्स टू x क्यूब। इन तीनों को ऐड कर लो 216 मिल जाएगा, यह है x क्यूब। 216 का मतलब होता है 6 क्यूब, तो 6 क्यूब की वैल्यू x क्यूब, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, x की वैल्यू 6, मतलब जो नया क्यूब बनेगा उसका साइड होगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर। वैसे ही क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इस बार इन्होंने स्क्वायर शीट दी है, स्क्वायर शीट दी है, स्क्वायर का मतलब सारे साइड्स, चारों साइड्स आपस में इक्वल है। तो हमारे पास एक स्क्वायर शीट आ गई है, अगर मैं इसके साइड को x मान लूँ तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसको इसकी लेंथ के अलॉन्ग रोल कर दो, ओके। तो सारी लेंथ तो इक्वल है ना, तो इसी के अलॉन्ग रोल कर देते हैं। तो जब इसके अलॉन्ग रोल करके आप सिलेंडर बनाओगे ना, तो कुछ इस तरह का सिलेंडर बनेगा, हाइट उसकी यही रहेगी, ये जो ब्रेथ है वही यहाँ हाइट बन जाएगी, और ये जो x है लेंथ, ये सिलेंडर बनने के बाद में क्या बन जाएगी, ये यहाँ का 2πr बन जाती है, यहाँ का सरकमफ्रेंस बन जाती है, समझ गया ना, बता भी चुका हूँ इससे पहले। तो ये जो सरकमफ्रेंस बना है, ये जो सरकमफ्रेंस बना है, ये क्या है, यही x लेंथ थी जो सरकमफ्रेंस बन गई, मतलब सरकमफ्रेंस x के इक्वल होना चाहिए, राइट, मतलब 2πr x के इक्वल होना चाहिए, राइट, मतलब r की वैल्यू x अपॉन 2π होनी चाहिए, राइट 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 राइट। चलो अभी मैं इतना इरेज करता हूँ, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। देखते हैं बताना क्या है, बताना है रेशियो ऑफ द रेडियस, रेडियस मतलब r में, और साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड को मैंने x माना है, तो r अपॉन x की वैल्यू बतानी है, r फॉर रेडियस, x फॉर साइड, इनका इनका रेशियो बताना है। तो ये तो ईजी है, r लिखा है ऑलरेडी, x को इधर बुला लो तो r अपॉन x हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा है, 2π को भी उधर भेज दो, तो r और x का रेशियो 1:2π हो गया। देखो कितना ईजी था ये क्वेश्चन, देखने में डिफिकल्ट लेकिन ये ईजी है। आपने बोला है यस सर इट्स क्लियर, आगे बढ़े। दो क्यूब्स हैं जिनके वॉल्यूम्स का रेशियो गिवन है 1:8, ओके, मान लेते हैं एक क्यूब ये है और दूसरा क्यूब ये है, ओके, इस क्यूब का नाम मैं दे देता हूँ क्यूब ए और ये है क्यूब बी, ठीक है ना। इनके जो वॉल्यूम्स है ना उसका रेशियो दिया हुआ है 1:8, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसके साइड को मान लेता हूँ x और इसके साइड को मान लेता हूँ y, ओके। तो इन्होंने क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ a इज टू वॉल्यूम ऑफ b, कितना दिया हुआ है 1:8 दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, a का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, x इंटू x इंटू x एक्स क्यूब, यहाँ का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, y इंटू y इंटू y वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1/8, बात क्लियर है। एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो x अपॉन y होल क्यूब,
और इस 1/8 को क्या लिख सकते हो, 1/2 का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 × 1 × 1 ही होता है, 2 × 2 × 2 8 होता है। अब देखो ये भी क्यूब में, ये भी क्यूब में, दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या पूछा गया है, इनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। अल्फी आपने पूछा है कि सर प्रीवियस क्वेश्चन को समझा दीजिए, तो अल्फिया मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि मैंने एक ये क्वेश्चन समझाया था, ओके मैंने एक ये क्वेश्चन समझाया था, तो पहले आप जाकर LMS में इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है ना, पहले इसको समझना, अगर आप समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। और जब ये दो क्वेश्चन आप समझ लोगे ना, तो फिर आप LMS में इस क्वेश्चन को देखना और फिर देखना आप इसको समझ लोगे, ओके। फिर भी आपको लगे ना कि सर नहीं क्लियर हो पाया है, तो आप मुझे भेज देना ये ग्रुप में, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। हाँ तो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी, इसका रेशियो बताना है। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² × 6 × साइड² तो 6 लिखोगे, साइड कितना है x, x का स्क्वायर लिख दोगे, अपॉन इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 6 × y² क्योंकि यहाँ साइड y है, 6 कैंसिल हो गया, x² / y² बचा, इसको आप x / y का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। x / y की वैल्यू आपको मालूम है 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर लिख दोगे, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 1:4 होता है, मतलब दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूबॉइड का जो हाइट है, पहले क्यूबॉइड देख लो बेटा, क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है ना, क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है ना, ठीक है ना। इस क्यूबॉइड में ये है लेंथ, ये है हाइट और ये है ब्रेथ, तो क्यूबॉइड की जो हाइट है वो बतानी है। इसका वॉल्यूम दे दिया है 275 cm³ और बेस का एरिया बता दिया गया है 25 cm², ओके। वॉल्यूम कितना इन्होंने दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है 275 cm³, क्यूबॉइड का वॉल्यूम 275 cm³ दे दिया गया है। अच्छा आप मुझे बताओ क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, आप ज़रा बताइए, बताओगे चैट में बताओ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे बताते हैं, कोई फॉर्मूला है इसके लिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, देखता हूँ किसको किसको मालूम है, LBH, हाँ सही है LBH, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया गया होगा, LBH को मल्टीप्लाई किया गया होगा, 275 आ गया है। अब इन्होंने क्या बोला कि बेस का एरिया 25 है, बेस का एरिया, तो क्यूबॉइड का बेस, ये बेस है ना, देखो जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ये बेस है, ये बेस है, इसका एरिया दे दिया गया है। अच्छा इसका एरिया कैसे पता करते हैं, बेस में ये चीज़ क्या है, लेंथ है, और बेस में ये चीज़ क्या है, ब्रेथ है, तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करने पर ये एरिया मिला होगा, ओके। ये जो लेंथ को बेस से मल्टीप्लाई, यही बेस एरिया, यही बेस एरिया है, लेंथ को बेस से मल्टीप्लाई करने पर ही बेस एरिया मिलता है। वो बेस एरिया गिवन है, मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 25, तो इसको हटाकर 25 लिख दो, 25 × h = 275, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 275/25, इसको कर लो डिवाइड, ये 11 आ जाएगा, 11 cm, देखो जी क्लियर है। हाइट की वैल्यू निकालनी है, हाइट की वैल्यू निकालनी थी। आगे बढ़ते हैं, एक क्यूबॉइड है जिसका बेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट पूछी गई है, देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया ना, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन इससे पहले वाला था वैसा ही आ गया, उस क्वेश्चन में भी वॉल्यूम दिया हुआ था, यहाँ भी वॉल्यूम दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में भी हाइट पूछी गई थी, यहाँ भी हाइट पूछी है, वहाँ भी बेस एरिया गिवन था, यहाँ भी बेस एरिया गिवन है, वहाँ भी क्यूबॉइड की बात हो रही थी, यहाँ भी क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लोगे ना, क्या बोलते हो, ट्राई करना है या हेल्प चाहिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलें एक क्वेश्चन आपके पास आया है, इसको आपको सॉल्व करना है, मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए, करिए। Which one has larger volume? एक क्यूब जिसका साइज 7 cm है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या एक क्यूबॉइड जिसके डायमेंशन 6, 7, 8 है उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप निकाल लो यहाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप निकाल लो यहाँ। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए आप साइड को साइड को साइड को कर लोगे मल्टीप्लाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट को कर लोगे मल्टीप्लाई। आप देख लो किसका वॉल्यूम ज़्यादा आता है। 7 × 7 × 7 होता है 343। ओके, ये होता है 343 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 42 हो जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे ये शायद 336 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है ये वॉल्यूम ज़्यादा है, क्यूब का वॉल्यूम ज़्यादा है। नेक्स्ट, अगर कोन का वॉल्यूम है 132 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी परपेंडिकुलर हाइट है 14 सेंटीमीटर तो बताना है रेडियस क्या होगी। अब ये क्वेश्चंस बहुत इजी आने लगे हैं, समझ गए ना। देखो जी, इन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 132 सेंटीमीटर क्यूब है। आप लोग एक काम करो, चैट में मुझे बताओ कोन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है। बता चुका हूँ मैं पिछली क्लास में, याद होगा आपको, नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लो। कोन का वॉल्यूम फाइंड कैसे करते हो, किस फॉर्मूला से करते हो, लेंथ ब्रेथ हाइट से करते हो या पाई आर स्क्वायर एच से करते हो या पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 से करते हो। कोई आंसर नहीं आया है, एक आंसर आ गया है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। यस, ओके, कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये, और ये चीज़ 132 गिवन है और हाइट भी गिवन है 14, तो 1/3 लिखिए, पाई की जगह 22/7 लिख दीजिए, रेडियस हमें नहीं मालूम है, हाइट 14 मालूम है, इज इक्वल्स टू 132 हो जाएगा। अब क्या है, बहुत ही इजी हो गया ना ये। देखो जी, 7 1 टाइम्स 7 2 टाइम्स, ठीक है ना। अब तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना कि आर स्क्वायर यहाँ लिखो, 132 यहाँ लिखो। सर 22 को नहीं लिखा, 3 को नहीं लिखा, 2 को नहीं लिखा, इनको उधर भेज देते हैं। ये जो 3 नीचे है यहाँ आ जाएगा ऊपर, 2 और 22 जो ऊपर हैं वो यहाँ आ जाएंगे नीचे। क्लियर, चलो जी करते हैं रिडक्शन। 2 1 टाइम्स 2 66 टाइम्स, 22 1 टाइम्स 22 3 टाइम्स, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 3 × 3 3 स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 3 स्क्वायर हो गई। 9 बोल दो या 3 स्क्वायर बोल दो। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों की पार्ट्स भी आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब बेस भी आपस में इक्वल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। आर ही तो पूछा गया था। द रेशियो ऑफ द टू रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स, दो सिलेंडर्स हैं, ओके, एक ये सिलेंडर है, ठीक है ना, और एक दूसरा सिलेंडर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक दूसरा मैं सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इन दोनों सिलेंडर्स की जो रेडियस में रेशियो है ना, वो 2:3 है। अगर मैं कॉमन रेशियो को आर मान लूँ तो पहले सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी 2R, दूसरे की हो जाएगी 3R, ये हो जाएगी 2R और ये हो जाएगी 3R। अब इनकी हाइट्स में जो रेशियो है वो 3:4 है। अगर मैं कॉमन रेशियो को एच मान लूँ तो पहले सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 3H, दूसरे की हो जाएगी 4H, ओके, 3H और 4H। बताना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तक के तो कोई परेशानी हुई नहीं है, चलो करते हैं। मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, तो वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी का रेशियो पता करना है। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम किस फॉर्मूला से पता करते हैं, बताओगे ज़रा। सिलेंडर का अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या उसके लिए भी पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 यूज़ करेंगे या सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच यूज़ करेंगे या कोई और फॉर्मूला है। पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई लिखो, क्योंकि हम वॉल्यूम फर्स्ट सिलेंडर का फाइंड करने वाले हैं तो रेडियस यहाँ की लिखी जाएगी, यहाँ की रेडियस 2R है, तो 2R पर स्क्वायर लगा दोगे। फिर हाइट यहाँ की ली जाएगी जो कि 3H है, ओके, इधर आते हैं, यहाँ भी वही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, लेकिन पहले देखो तो यहाँ की रेडियस क्या है, 3R है, तो 3R का स्क्वायर, हाइट 4H है, समझ पाए ना। हाँ जी, पाई पाई कैंसिल हो गया, एच एच कैंसिल हो गया, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, बाद में कैंसिल करेंगे। तो 2 के ऊपर स्क्वायर है मतलब 4, R के ऊपर स्क्वायर है मतलब R स्क्वायर, और ये इंटू 3 है, 3 के ऊपर स्क्वायर मतलब 9 है, R के ऊपर स्क्वायर मतलब R स्क्वायर है, इंटू 4,
ठीक है ना। अब क्या होगा, ये 4 और 4 हो गया कैंसिल, ये r² और r² हो गया कैंसिल, 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स, मतलब 1:3 आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, करिए सॉल्व। इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर रॉड, सिलेंड्रिकल रॉड इज दिस एंड हाइट इज दिस, तो इसका वॉल्यूम बताना है। सिलेंड्रिकल रॉड मतलब शेप सिलेंडर है, तो वॉल्यूम बताना है, तो बहुत ईजी है। अगर सिलेंड्रिकल कोई चीज़ है तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हम यूज़ करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। याद कर लो, इसको याद कर लो, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये रॉड सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप में है, मतलब इसका शेप सिलेंडर जैसा है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह लिख दो 22/7, रेडियस कितनी है 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर लिख दो, और हाइट कितनी है, हाइट है 14 सेंटीमीटर्स, तो 7 1 टाइम्स 7 2 टाइम्स, ये तो हो गया कैंसिल। ये बचा 22, 3.5 का स्क्वायर है, तो 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये है इंटू 2। ओके, 3.5 ने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 7 मिल गया। इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ज़रा रफ में कर लेते हैं, 3.5 को 22 से मल्टीप्लाई, तो 77 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 77 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 × 7 = 49, 7 हो गया कैरी, क्यों आंसर कुछ गलत किया है क्या मैंने, 539 आ रहा है, किसी ने लिखा है, अच्छा 539 ही लिखा है, ठीक है 539, 7 × 7 = 49, 4 था कैरी, 7 × 7 = 49 प्लस, हाँ ठीक है सही आंसर है, आई होप ये क्लियर है, कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2:3। एक ही सिलेंडर की बात हो रही है, उस सिलेंडर की रेडियस में और हाइट में 2:3 का रेशियो है। ओके, जैसे ये एक सिलेंडर है तो ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसकी हाइट हो गई, तो रेडियस और हाइट में रेशियो क्या है, 2:3 है। अगर मैं कॉमन रेशियो को x मान लूँ तो इसका मतलब हो जाएगा रेडियस हो जाएगी 2x और हाइट हो जाएगी 3x, ये इसका मतलब है। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम इतना बता दिया गया है। ओके, वॉल्यूम में गलती है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है ना। बताइए समझ पाए इतना, या प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, समझ गया ना। तो बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इन्होंने जो वॉल्यूम दिया है ना, वो वॉल्यूम कैसे पता करते हैं हम, वॉल्यूम पता करने के लिए, वॉल्यूम वैसे गिवन कितना है, 12936 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच से फाइंड करते हैं, वो दिया हुआ है 12936। अब पाई लिख दो 22/7, रेडियस क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, और हाइट कितनी है 3x लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 12936। क्लियर है, समझ पाए, ठीक है। अब क्या करते हैं, 22/7 लिखते हैं, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये है 3x इज इक्वल्स टू 12936। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ x स्क्वायर और x, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x क्यूब मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 12936 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ ये जो नंबर्स डिनोमिनेटर में ही ऊपर चले जाएंगे, मतलब 7 आ जाएगा ऊपर, और जो नंबर न्यूमिनेटर में है 22 और 4 और 3 ये सब नीचे आ जाएंगे, 22 और 4 और 3 ये सब नीचे आ जाएंगे। देखते हैं कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा क्या। तो 3 से इसको पहले मैं डिवाइड करता हूँ, 3 1 टाइम्स 3 4 3 1 2 टाइम्स,
ठीक है ना। अब मैं इसको करता हूँ 11 से करता हूँ, 11 से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बल्कि मैं रफ में यहाँ कर लेता हूँ, 4, 3, 1, 2 × 7, 22 और 4 यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, 11 से करता हूँ। 11 टू टाइम्स, 11 थ्री टाइम्स 33 बचेगा 101, 11 नाइन टाइम्स 99 फिर बचेगा 2 हो जाएगा, 2 से कर दोगे तो 196 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो 49 हो जाएगा, तो ये 49 × 7 बचेगा। एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 49 × 7, तो एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, 49 को लिख सकते हो 7 × 7, तो एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 7 क्यूब। अब ये भी क्यूब में, ये भी क्यूब में, दोनों की पावर सेम, दोनों भी आपस में इक्वल, तो बेस भी इक्वल, तो एक्स हो जाएगा 7, एक्स हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। एक्स तो हमने कॉमन रेशियो माना था ना, एक्स हो गया 7, एक्स हो गया 7। अब बताना क्या है, टोटल सर्फेस एरिया बताना है। ये टोटल सर्फेस एरिया कैसे मिलेगा बता करते हैं। टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया का मतलब क्या होता है, 2πr × r + h। बताओ ज़रा चैट में, यही तो होता है ना सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया, 2πr × r + h या h + r बोल दो। तो वैल्यूज डाल दो, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस कितनी थी, 2x थी। तो अगर x की वैल्यू 7 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 14 होगी, तो आप यहाँ 14 लिख दो। उसके बाद r प्लस h कर दोगे, ठीक है ना, r प्लस h कर दोगे, समीउल्लाह कुरैशी ये आप इस तरह से चैट मत करिए, ठीक ना। आर प्लस एच करते हैं, तो आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब 2x, 2x मतलब 14, प्लस एच, एच मतलब हाइट, हाइट कितनी है 3x, मतलब 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 21, ठीक है ना। चलो जी, 7 वन टाइम्स, 7 टू टाइम्स, 2 22 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 88 हो गया, और इन दोनों का सम क्या हो गया, ये हो गया 35। तो 88 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। ज़रा मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, 35 को 88 से कर लो मल्टीप्लाई और देखो क्या आंसर आ रहा है। थ्री जीरो एट जीरो मिला, किसी ने पूछा सर ये 14 कहाँ से आया। अच्छा तो अल्फिया ज़रा मैं आपसे बात कर लेता हूँ, बेटा टोटल सरफेस एरिया इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करते हैं, ये क्लियर था, इतना बता दो, ये क्लियर था, इतना क्लियर था, बाकी सब मैं दोबारा बता दूंगा, ओके। ये 14 कहाँ से आ गया, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ये फॉर्मूला क्लियर है या इसमें कोई प्रॉब्लम है बताइए, क्लियर है ना। चलो ठीक है, तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे 2 लिखना चाहिए, पाई की जगह 22/7 लिखना चाहिए, रेडियस लिखनी चाहिए ना, रेडियस। तो अल्फिया, अल्फिया के हिसाब से रेडियस क्या है, रेडियस है 2x, तो x का मतलब 7 है ना, लेकिन रेडियस x नहीं है, रेडियस 2x है। तो अगर x का मतलब 7 है तो 2x का मतलब क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्या बोलते हो, ठीक है ना। फिर आपको फिर r लिखना है, तो फिर रेडियस मतलब फिर 14। अब हाइट लिखनी है, तो बेटा हाइट क्या है, हाइट 3x है, अगर x होती तो मैं 7 लिखता, लेकिन ये 3x है, तो अगर x की वैल्यू 7 है तो 2x की वैल्यू 14 होगी और 3x की वैल्यू 21 होगी। तो अल्फिया हक और बाकी लोग देख लो ज़रा, ये क्लियर है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 14 कैसे आ गया, ये 21 कैसे आ गया है, तो बताइए, कंफर्म करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसका डायमीटर उसकी हाइट के इक्वल है, ओके। तो ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया है, बोला गया है कि ये ऐसा सिलेंडर है जिसका हाइट और डायमीटर इक्वल है, मतलब अगर इसकी हाइट h है तो इसका डायमीटर भी कितना है, h है। तो अगर डायमीटर h है तो रेडियस कितनी होगी, बता सकता है कोई, अगर डायमीटर h है तो रेडियस कितनी होगी, कोई बताएगा यहाँ पर। इन्होंने बोला कि हाइट और डायमीटर सेम है, तो अगर मैंने हाइट को माना h तो डायमीटर भी हो जाएगा h, तो बताइए ज़रा, यस गुड, h अपॉन 2 हो जाएगा, h अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना।
समझ गए, बहुत सही, रेडियस हो जाएगी h अपॉन 2। अब इसका वॉल्यूम पता कर लो। आप लोग मुझे बता चुके हो कि किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वही लिखता हूँ मैं, पाई लिखूंगा, रेडियस का स्क्वायर लिखूंगा, रेडियस है h अपॉन 2, तो h अपॉन 2 का स्क्वायर कर दूंगा। फिर हाइट लिखूंगा, हाइट है h, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, जगह पाई h पर लगा है स्क्वायर अपॉन 2 पर लगा है स्क्वायर, ठीक है ना, तो पाई लिख दूंगा, h स्क्वायर और h मल्टीप्लाई होकर h क्यूब बन जाएंगे और नीचे हो जाएगा 4, किसी से मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ हाइट 42 सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ हाइट, हाइट इतनी है और उसकी रेडियस इतनी है 7 सेंटीमीटर से, ठीक है ना, ओके। एक सिलेंडर है जिस सिलेंडर की हाइट है 42 सेंटीमीटर्स और रेडियस है 7 सेंटीमीटर्स, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक कोन में, ओके, इसको कोन में कन्वर्ट कर दिया गया है और कोन की जो हाइट है ये है 14 सेंटीमीटर्स, तो कोन की रेडियस बतानी है क्या होगी। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब किसी चीज़ को आप मेल्ट करके कुछ नया बनाओगे तो मेल्ट करने से पहले वाले सॉलिड्स का वॉल्यूम और मेल्ट करने के बाद वाले सॉलिड का वॉल्यूम सेम होता है, इक्वल होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी, आपने सिलेंडर को कन्वर्ट किया है कोन में तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, बस इसी से सब पता लग जाएगा, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई होता है आर का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर इनटू हाइट, मतलब 42। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 होता है, पाई होता है रेडियस का स्क्वायर, हमें नहीं मालूम रेडियस क्या है, और हाइट मतलब 14 होता है, ठीक है ना, आई होप ये क्लियर है। पाई और पाई को कर दो कैंसिल, ठीक है ना, अच्छा बाकी आप लिखो 7 का स्क्वायर मतलब 49 इंटू 42, और ये 3 अगर इधर भेज दो तो इंटू 3 हो जाएगा, अगर 14 को इधर भेज दो तो अपॉन में 14 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा, बात क्लियर है, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ये है 49 इंटू, ये 42 है, दो कैसे मैंने 49 लिख दिया है, ये 42 है, 42 इंटू 3 अपॉन 14, ठीक है ना, आई होप ये क्लियर है। अब कैंसिल करता हूँ, 7 टू टाइम्स, 7 सिक्स टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 49 का मतलब है 7 इंटू 7 और 3 इंटू 3 है ये, ठीक है ना, तो आप क्या बोल सकते हो, ये है 7 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर, आप इसको क्या बोल सकते हो, 7 और 3 दोनों स्क्वायर में तो 21 का स्क्वायर हो गया, 7 3 से 21 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये दोनों की पार सेम है, दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 21, आर की वैल्यू हो जाएगी 21 सेंटीमीटर्स। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को और बताइए क्लियर है कि नहीं। ओके, अब इतना समझने के बाद में किसने बोला है, सर आई जस्ट कन्फ्यूज, सर अगर हम 7 इंटू 7, अच्छा समीउल्लाह कुरैशी अब कहाँ पर कन्फ्यूज हो ये ज़रा बता दो, क्योंकि किसी ने बोला है सर अगर हम 7 इंटू 7 3 इंटू 3 पे स्क्वायर रूट लगा दें और आर पे से स्क्वायर हटा दें तो भी सही हो जाएगा ना। हाँ कौशल जहाँ आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, आप वैसे भी कर सकते हो। समीउल्लाह आप बताइए आपको कन्फ्यूजन है कहाँ पर, पूरे में कन्फ्यूजन है या यू नो इस पार्ट के बाद कन्फ्यूजन है या इस पार्ट के बाद है, कहाँ से कन्फ्यूजन है बताइए। समीउल्लाह कुरैशी मैं जानना चाहता हूँ प्रॉब्लम है कहाँ पर, बीच में सर प्रॉब्लम है, ओके तो चलो मैं बीच से दोबारा बता देता हूँ। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको इतना तो क्लियर होगा, बताइए समीउल्लाह कुरैशी अभी जो बोर्ड पर लिखा है वो क्लियर है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, जो अब बोर्ड पर लिखा है
अब जो लिखा है वो क्लियर है या इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, क्या बोलते हो आप? इतना क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया था, तो यहाँ है 7 का स्क्वायर, आप 7 इंटू 7 लिख दो, ये है 42, इसको 42 लिख दो, यहाँ है 1/3 और ये है आर स्क्वायर इंटू 14। बताइए इतना क्लियर है सभी को? आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना, आई होप ये क्लियर है। तो 7 लिखा रहने दो, 7 लिखा रहने दो, 42 लिखा रहने दो। अब ये 3 डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ये 14 है न्यूमिनेटर में, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। बोलो भाई ये क्लियर है ना? सभी को ये क्लियर है? चलो कैंसिल करता हूँ अब मैं, 7 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 21 टाइम्स। तो नीचे तो सब खत्म हो गया, ऊपर बचा हुआ है 7 और 21 और 3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बताइए क्या अब क्लियर है ये? यस क्लियर है। अब ऐसा करो ना कि आर के ऊपर से स्क्वायर हटा दो, जैसे किसी ने बोला भी था सर स्क्वायर हटा दें क्या, तो वही वाला कर लेते हैं, आर के ऊपर से स्क्वायर हटा दो तो सामने के सारे नंबर्स स्क्वायर रूट में चले जाएंगे, ये हो जाएगा 7 इंटू 21 इंटू 3। अब क्या हो जाएगा, आप 7 लिखो, 21 को ब्रेक करके आप 3 इंटू 7 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये 3 और ये 3 बन गया पेयर, आ गया बाहर, ये 7 और ये 7 बन गया पेयर, ये आ गया बाहर, तो 7 3 से क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर। बोलो भाई अब क्लियर है या अभी भी कन्फ्यूज हो? इट्स क्लियर, ठीक है, सही है। समीउल्लाह कुरैशी को मज़ा आ गया है, मुस्कुरा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब मैं लास्ट के 3 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवाऊंगा, ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ओके। बीच में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे लेकिन वो मैंने सिमिलर दिखा के छोड़े थे, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया तो मैंने स्किप कर दिया था, मैंने बोला था कि आप सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम होगी तो पूछोगे। अब 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ, देखो कुछ नए भी हो सकते हैं, कुछ सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ज़रा, अच्छा समीउल्लाह कुरैशी अदीबा हैं, ठीक है अदीबा, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूँगा, पहले आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ओके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए हो तो आप या तो फोटो ले लो या तो फिर LMS से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इस तरह का मैंने क्वेश्चन करवाया भी नहीं है, ये जो पिछला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ओके। है तो ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन इस तरह का हमने क्वेश्चन किया नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ओके, बहुत सारे लोग इसको कर भी लोगे। अगर स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो तो ले लो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ ना कि LMS से निकाल लेना, कल तक आ जाएगा LMS पे ये वीडियो, कल निकाल लेना LMS से। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, अभी आ गया तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, इस तरह के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो एक ही क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चंस दिखाए ना, तो एक ही क्वेश्चन जो बीच वाला है ना जहाँ पर डेंसिटी की बात हो रही है वही थोड़ा सा नया है, बाकी सब इजी रहेंगे। और इसके बाद में चैप्टर ये हो गया फिनिश, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, योर सिलेबस हैज़ बीन फिनिश्ड, देयर इज़ नो चैप्टर विच इज़ लेफ्ट नाउ, ओके। तो अगर आपने प्रॉपरली, ये पूरा सेशन अब एंड होने वाला है, कुछ आपके डाउट्स होंगे, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ ज़रा MU इंटरेस्ट के बारे में, अभी तक फॉर्म नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा, ओके। तो ये किसी को नहीं पता होता है कि फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, वो तो आने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं, कोई बोल भी रहा है ना कि फॉर्म तब तक आ जाएगा या एग्ज़ाम तब होगा, वो सब गेस होते हैं, कोई कन्फर्म बता नहीं सकता है, ठीक है ना। अच्छा ये प्रोग्राम अभी बंद हो रहा है, अगर किसी सब्जेक्ट की कोई क्लास बची रहेंगी तो आपको नेक्स्ट वीक दे दी जाएंगी, फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश का तो सिलेबस इस वीक में हो जाएगा, मे बी उर्दू की एक क्लास या 2 क्लासेस बचेंगी तो आपको नेक्स्ट वीक डिलीवर कर दी जाएंगी। कुछ लोगों को ये लगता है सर LMS का एक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं कि ये क्लासेस बंद होंगी फिर LMS में नहीं जा पाएंगे, तो LMS का एक्सेस आपके पास रहेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ओके। तो MU एंट्रेंस का एग्ज़ाम जब भी होगा, चाहे वो मार्च में हो, चाहे वो मार्च के लास्ट में हो, चाहे वो अप्रैल में हो, जब भी वो एग्ज़ाम होगा तब तक कि आपके पास LMS का एक्सेस रहेगा, आप LMS के वीडियोस जब तक चाहो जितनी बार चाहो देख सकते हो, ठीक है ना। सर अगर 4 फेब के पहले फॉर्म नहीं आया तो क्या हुआ, 4 फेब के पहले फॉर्म नहीं आया, ओके। देखो आपको जो छुट्टियाँ मिल रही हैं ना, वो आपको छुट्टियाँ मिल रही हैं रिविज़न करने के लिए, आप जो भी अभी तक के मटेरियल दिया गया है उसको तैयार करने के लिए, और आपके अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स भी होने वाले होंगे, उनकी तैयारी के लिए भी टाइम दिया गया है, ओके। तो फोकस करो अपने स्कूल के एग्ज़ाम पर, जो बोर्ड आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला होगा उसकी तैयारी करिए,
उसका रिवीजन करिए, एलएमएस को देखते रहिए, जो आपने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहिए, और आप डाउट्स भी भेज सकते हो। जैसे आप अभी डाउट्स भेजते हो ना ग्रुप में, आप फोर्थ फिफ्थ के बाद भी डाउट भेज सकते हो। ऐसा नहीं कि फोर्थ फिफ्थ के बाद हम लोग डाउट के सोल्यूशन नहीं देंगे, आप डाउट्स भेजना। आपके जो टेस्ट होंगे, आपके जो टेस्ट होंगे मॉक टेस्ट के लिए मैंने एक स्कीम भेजी है, ओके, मॉक टेस्ट। उसका टाइम मैंने बोला था कि बता दिया जाएगा जब टेस्ट होगा, उससे एक दिन पहले या दो दिन पहले बता दिया जाएगा। संडे का टेस्ट शायद मॉर्निंग में होगा और बाकी जो टेस्ट होगा वो इवनिंग में होगा, ताकि आपके स्कूल से क्लैश ना करे। अगर हम सुबह टेस्ट ले लेंगे, जैसे वेंसडे में एक टेस्ट होगा ना, वो सुबह नहीं लेंगे, वरना किसी का स्कूल हो सकता है, किसी का उस दिन एग्जाम हो सकता है स्कूल में, तो सुबह नहीं होगा, वो शाम में ही हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। संडे वाला टेस्ट मॉर्निंग में हो सकता है। तो आप लोग डाउट जैसे भेजते हो वैसे भेजते रह सकते हो, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, उस डाउट के लिए क्लास लगा दी जाएगी, ठीक है ना। जब जब आपको डाउट क्लास चाहिए होगी तो मिलती रहेगी, ओके, और वो तब तक मिलती रहेगी जब तक कि आपका एमयू एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाएगा। ये फोर्थ फिफ्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेबस को एंड कर रहे हैं, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि एलएमएस खत्म हो जाएगा, एलएमएस रहेगा, डाउट्स खत्म नहीं होंगे, डाउट्स आप पूछते रहना, ठीक है ना। जो भी आपको सपोर्ट मिल रहा है वो मिलता रहेगा। मॉक टेस्ट की किस पैटर्न पर होगा, बेटा जितने भी अभी तक आपके टेस्ट हुए हैं ना और जो मॉक टेस्ट होगा, सबका सेम ही पैटर्न है। ये वही पैटर्न है जो एमयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ भी 85 क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग भी 85 क्वेश्चंस देते हैं, मॉक टेस्ट में भी 85 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 10-10-10 मार्क्स की आती है, वहाँ भी एमयू एंट्रेंस एग्जाम में भी, यहाँ भी हम लोग 10-10-10 देते हैं। तो जो पैटर्न अभी तक था वही पैटर्न रहेगा और वही पैटर्न एमयू में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, अब जो सिलेबस आएगा ना वो पूरे सिलेबस का आएगा, ठीक है ना। अब सिलेबस आपको नहीं दिया जाएगा, जो फिजिक्स का पूरा सिलेबस है उससे क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे, मैथ के जो भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका उनको आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। मैथ में अगर 30 क्वेश्चंस तो वो पूरे सिलेबस से आएंगे, तो आपको पूरे सिलेबस को तैयार करना है, उसको रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स यू नो चीटिंग भी कर सकते हैं, उन्होंने दो मोबाइल रख लिए या फिर कोई अपने पास बिठा लिया हेल्प करने के लिए, तो इस तरह से चीटिंग भी कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट भी दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो आप रिजल्ट दिखाओगे ना, अगर कोई चीटिंग करता है, आप लोगों में से कुछ लोग करते होंगे, तो यू नो शॉर्ट टर्म की हैप्पीनेस अपने आप को दे रहे हो कि देखो मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, बाकी से अच्छा आ गया। इन लाइफ अपने आप को आप नीचे गिरा रहे हो, ठीक है ना। आपने थोड़ी देर के लिए दिखा दिया, एक हफ्ते के लिए दिखा दिया, दो हफ्ते के लिए दिखा दिया कि आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा आ गया है, समझ गए ना। लेकिन जब एमयू एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अब क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका नीचे जाएगा, ओके। अपने आप को आपने यहाँ दिखा दिया बहुत ऊपर, लेकिन वहाँ जाके नीचे चले गए। आपका जो एक्चुअल एग्जाम होगा क्लास 8th का या 9th का या 10th का, वहाँ ये चीटिंग हेल्प नहीं करेगी, आपका रिजल्ट खराब होता चला जाएगा। रियल लाइफ में जब कुछ करना चाहोगे तो दिस चीटिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो प्लीज़ जो भी अपना टेस्ट आप दोगे वो फेयरली दो, रिजल्ट अच्छा हो या ख़राब हो, मुझे करना जो है वो खुद से करना है, मैं खुद से तो ऑनेस्ट बनूँ, ओके, तो आई डोंट हैव टू चीट, ओके। आपको ऐसा लगे कि कोई नहीं देख रहा है, आई कैन चीट, तब भी आपको चीटिंग नहीं करनी है अपने लिए, ठीक है। सर, जैसे क्वेश्चंस एमयू में आते हैं हर लैंग्वेज के, वैसे मॉक टेस्ट में नहीं हो सकता है क्या? हर लैंग्वेज, हाँ, एमयू में एक मीडियम मिल जाता है, मतलब क्वेश्चंस आपको उर्दू मीडियम में भी मिल सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी मिल सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दिस चैप्टर इज ओवर। अब डाउट्स के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी इस वीक मेरी 3 क्लासेस हैं, उन तीनों में मैं डाउट्स आपके एंटरटेन करने वाला हूँ, ठीक है ना।